हेलो फ्रेंड्स, आई एम चौधरी। तो आज हम लेकर आए हैं जीएस के कुछ मुख्य प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था वो बाल विवाह की जो बुराई थी उसे दूर करने के लिए बनाया गया था, और ये 1928 में राजा राममोहन द्वारा बंद किया गया था इस सामाजिक बुराई को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है? तो अनुच्छेद 51A में। जो मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य जो है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, वो सब जो है वो 51 अनुच्छेद ए में है। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर निकाल दिया गया। मतलब ये है कि पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार निकल गया जो था संपत्ति का अधिकार। इस वजह से अब हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। संपत्ति के अधिकार से मतलब है कि जो संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम पर है वह उसी की है, वो किस चाहे बेचना चाहे तो बेचेगा, नहीं बेचना चाहे तो नहीं बेचेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सरकार को कोई आवश्यक कार्य है उस भूमि पर तो वह उस जमीन को खरीद सकता है, चाहे उसके मालिक की आज्ञा हो या ना हो। फिर चौथा है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यसभा के सभापति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पांचवा हमारा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे राज्यसभा के प्रथम सभापति, और ये हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, वो थे गणेश वासुदेव। छठा क्वेश्चन आता है, लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति एवं उनके अधिकृत अधिकारी। लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराते हैं और उनके जो अधिकृत अधिकारी होते हैं वो कराते हैं। सातवां है, भारत के राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहते हैं तो उसे पद त्याग किसके पास भेजना पड़ता है? अगर कोई भी राष्ट्रपति है वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको अपना पत्र लिखेगा कि मुझे इस पद पर नहीं रहना है? तो वो लिखेंगे उपराष्ट्रपति को। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी प्रथम बैठक। और नवा क्वेश्चन है, भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के जो संघ राज्य हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। दसवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता तथा समाजवादी शब्दों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब हमारे कुछ और मुख्य प्रश्न शुरू होने वाले हैं। फिर से एक नया क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन होता है, का आयोग का गठन कब होता है? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का स्रोत है वो है आयरलैंड का संविधान। जो भारत संविधान का नीति निर्देशक तत्व है वो है आयरलैंड का संविधान। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है वो संविधान के 368वें अनुच्छेद में दी गई है। चौथा क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष किया गया, किसके द्वारा किया गया? कौन से संविधान संशोधन के? वो भी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। पांचवा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किए गए हैं? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किए गए हैं? वो है एक बार ही किया गया, अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया प्रस्तावना में, ना कि और कहीं, सिर्फ एक बार। भारतीय संविधान में किस
संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। ये संशोधन की बात है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार जो हैं यानी या फिर मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 51A जो अनुच्छेद है उसमें। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। आठवां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। नमा है, टल बदल विरोधी कानून संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित है, वानवा संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1985 में। दसवां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो वो है मतलब कि लोकसभा में सदस्य होते हैं ना उसकी सदस्यता हम ग्रहण कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, तो कितनी वर्ष आयु हमारी होनी चाहिए न्यूनतम, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इस पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। अब कुछ और 10 क्वेश्चन, अब तक के जो हमारे क्वेश्चन थे वो कुछ संविधान के अंतर्गत थे, संविधान से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो संविधान के तो होंगे आगे के और जीके जनरल नॉलेज भी जुड़ने वाली है। तो उसमें पहला है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोशी नदी को कहा जाता है जो गंगा की सहायक नदी भी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हेमिस यानी कि हिम से जुड़ा हुआ है, तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि कहीं पर्वतीय इलाके पर ही होगा हेमिस है, तो ये है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान, तो इसमें देखिए इसमें लिख रखा है समुद्री उद्यान, तो समुद्री उद्यान है यानी कि समुद्र के तटों पर ही होगा कहीं पर, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। पांचवा है क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में गारीमाथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है, तो इसमें भी समुद्री प्रेजेंट किया गया कि गारीमाथा समुद्री, तो ये भी किसी समुद्र के तट पर होगा, तो उड़ीसा, जो हमारा पश्चिम बंगाल जो है उससे थोड़ा सा लगा हुआ है झारखंड वगैरह से। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है, तो वन्य जीव है तो हम खुद ही सोच सकते हैं भद्रा वन्य जीव वहीं पर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं, इसलिए भद्रा वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। फूलों की घाटी किस उद्यान को कहा जाता है, तो उत्तराखंड को, फूलों की घाटी हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके जस्ट ऊपर ये उत्तराखंड। उसके बाद आठवां है, कंगारू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, करगुगर नेशनल पार्क, तो ये दक्षिण अफ्रीका। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सबसे गरीब महाद्वीप कहा जाता है, उसके दक्षिण अफ्रीका जो देश है, एक उत्तरी अफ्रीका और एक दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका में है ये। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील, और ये कहाँ पर है, लेह लद्दाख में, ये भी कहाँ पर है, लेह लद्दाख में, वो हेमन है ना, हेमन उद्यान वो भी लेह लद्दाख में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, और बूलर झील भी लेह लद्दाख में है, और सबसे खारे पानी की जो झील सबसे बड़ी भी है और सबसे खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो है उड़ीसा में हमारी, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। और भी एक और आया था उड़ीसा में, भारत के किस राज्य में गारीमाथा समुद्री अभ्यारण्य है, तो वो भी उड़ीसा में है, और चिल्का झील जो है वो भी उड़ीसा में ही है। दसवां क्वेश्चन है,
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिभा बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा है इस वक्त की, वो गांधीनगर गुजरात की राजधानी में है। और सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी गुजरात में है, तो हम इसे याद कर सकते हैं। जहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, वहीं पर होगा सरदार सरोवर बांध। तो बस यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे ये कुछ मुख्य और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न। तो बने रहें चैनल पर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो इससे। धन्यवाद।